दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इतिहास के सेट देखते हैं, कल पॉलिटी के सेट देखे थे, ऐसे कर करके हम लोग डेली एक सेट देखेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, बोला था कि जिसको सेट बाई करना है वो वहां से खरीद सकता है सेट, 25-25 सेट कर और 25 कंपलसरी के सेट कर 100 रुपये में मिल रहा था। तो बहुत से लोगों ने कॉल किया, बहुत से लोगों ने बताया कि मैं यूज़ ही नहीं करता, कोई पेटीएम नहीं यूज़ करता, कोई ऑनलाइन बैंक यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो कैसे पे करूँ, मुझे हार्ड कॉपी भेज दीजिए। पर हार्ड कॉपी भेजना बहुत ही मुश्किल है, हार्ड कॉपी हम नहीं भेज सकते। तो सर और कुछ लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी होगा, जो भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा, अभी पीडीएफ दिया जाएगा और आज बुधवार है तो आज भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम पर आपको बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल मिलने वाला है बिहार से रिलेटेड और जो भी न्यूज़ होगा। तो मैं कमेंट बॉक्स से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। आपका क्या कहना है, अभी अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर भी होगा। और फिर जो चल रहा है, अभी बात चल रहा है कि फ्री में सेट जो किया जाए, सबके लिए फ्री सेट उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम तो पैसा पे कर देंगे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं हम पैसा नहीं पे कर पाएंगे, कोई जरिया ही नहीं है। तो सबको साथ लेकर चलना है, तो इस पर अभी बहुत बात चल रही है। आज ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इस पर बात करूं, बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बात हो जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सेट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, बने थे। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसका भारतीय सदस्य पहले कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी ने बने थे और इन्हें ही वृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष भी इन्हें ही कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और यही प्रति व्यक्ति आय, भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय भी यही पता किए थे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सती प्रथा का अवैध घोषित किया था, किसने अवैध घोषित किया था सती प्रथा को, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अवैध घोषित किया था। और इनका सहायता किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने सहायता किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था इनको राजा की उपाधि। मुगल वंश के जो मुगल वंश के ही राजा थे और मुगल वंश के जो स्थापना किया था वो बाबर किए थे और जो उनके अंतिम राजा है वो बहादुर शाह द्वितीय और उन्हें हम लोग जफर भी कहते हैं क्योंकि छुप छुप कर वो कविता लिखते थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये मोतीलाल नेहरू थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया, क्योंकि साइमन कमीशन जो था उसका बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया, इसके 10 वर्षों की निर्धारित अवधि से पहले ही नियुक्त कर दिया गया। माफ कीजिएगा, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, तो इसका ऑप्शन दो देखिए, ऑप्शन दो ही आंसर होगा, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं किए थे इसलिए इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय जो थे गरम दल के नेता थे वो लाठीचार्ज के कारण मारे भी गए थे। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा हम लोग देखते हैं कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे माना जाता है, जो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है इसे किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अब ये मुझे ये बता सकते हैं कि सरदार की उपाधि किसने दिया था वल्लभ भाई पटेल को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ईजी है, तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, जो कहाँ था सोमनाथ मंदिर, तो गुजरात में, तो गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था बहुत ही वहाँ पर सोना था, बहुत ही वहाँ पर कीमती सामान था, तो उसका किसने लूटपाट किया, किसने नष्ट कर दिया था, ये मोहम्मद गजनवी थे, ठीक, मोहम्मद गजनवी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है 13 अप्रैल 1919 का, तो दिन सबको याद होगा, इतिहास में सब लोग याद करते हैं, वो जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, किस लिए आयोजित की गई थी ये पूछ रहा है, हड़ताल के आयोजन के लिए, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध के लिए, ठीक, तो ये लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध के लिए किया गया था, ठीक, क्योंकि उस समय एक ब्लैक कानून भी आप नाम जानते होंगे जिसे हम लोग रोलेट एक्ट के नाम से जाने जाते हैं, वो क्या करता था कि रोलेट एक्ट में क्या होता था कि किसी को पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता, कोई काम नहीं किया उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर ये गए अमृतसर में, लोग सम्मेलन कर रहे थे और जनरल डायर जो हैं वो निहत्थे लोगों पर गोली की बौछार करवा दी, जिससे 1000 से 10000 लोग को एकदम सरेआम हत्या हो चुका था एकदम उसी में। और साथ ही साथ में जो जनरल डायर थे उसको लंदन में जाकर ऊधम सिंह ने गोली मार दिया था, ये था वीरता का पहचान, भारतीय वीरता का पहचान।
ठीक, तो 7 के आंसर बी हो जाएगा, जिससे अंग्रेजों में दहशत मच गई थी। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और यही विदेशी पहले विदेशी है जिसे भारत रत्न भी दिया गया है, ये पाकिस्तान में चले गए थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खां थे, जिसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो 8 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था, वो दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिए थे, इनमें से कौन है, तो ये सिकंदर लोदी थे। और आगरा की स्थापना भी पूछता है कि आगरा का स्थापना किसने किया था, आगरा सर का स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने ही किया था, ये भी याद रखिएगा। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित लड़ाइयों में किसमें हुमायूं अंत में हार गया था एवं जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था, हुमायूं हार गया था जिसके कारण उसको निर्वासन लेना पड़ा था, इसमें से कौन से युद्ध में हार गया था, तो 10 का आंसर कौन होगा, किसके साथ युद्ध हो रहा था, पता है किसके साथ युद्ध हो रहा था, ये शेर शाह सूरी था, अफगान शासक शेर शाह सूरी, जिसका मुकाबला कहाँ है, सासाराम है, सासाराम बिहार का सबसे शिक्षित जिला है, ये भी याद रखिएगा, तो सासाराम में मुकाबला है। और जो जीटी रोड बनवाया था वही शेर शाह सूरी ही बनवाए थे, और उसी का अनुसरण करते हुए जो रुपया आज हम लोग यूज करते हैं वो चांदी का रुपया किसने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी ने ही बनवाए थे, उनका नाम रुपया रखे थे चांदी के सिक्के का। तो ऐसे करके हम लगा सकते हैं, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौज की लड़ाई में। और चौसा कहाँ स्थित है, तो ये अब कमेंट बॉक्स में बताइए, चौसा की लड़ाई हुआ था, बक्सर की लड़ाई, जो चौसा की लड़ाई, ये सब आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, और उस दिन हम पर भी मनाते हैं, हजरत ईसा मसीह को किस दिन चढ़ाया गया था, तो फ्राइडे को चढ़ाया गया था, और उसे ही हम लोग गुड फ्राइडे बोलते हैं, ठीक। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखे थे वो, ये बार बार क्वेश्चन आता है, दरोगा में भी क्वेश्चन आया था, तो ये महात्मा गांधी लिखे थे। और अभी दरोगा से रिलेटेड न्यूज़ भी मैंने अभी डाला है, अभी तुरंत अपडेट हुआ है, मैंने न्यूज़ डाला है, जो हम लोग बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत लोग जानते भी है इस चैनल पर कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे दरोगा के लिए, केस भी हुआ था, तो अभी जाकर उसका रिजल्ट आया। 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना, जो 1717 में औरंगजेब को मृत्यु हो गया था, उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को, तो उसके बाद कौन से राजा बने थे, कौन से उत्तराधिकारी बने थे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम बने थे। और सबसे लास्ट कौन है, तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम लोग जफर भी बोलते हैं मुगल वंश के। और मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो ये बाबर जी हैं, याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिवाजी ने औरंगजेब को किस प्रतिनिधि को मार डाला था, शिवाजी ने औरंगजेब किस प्रतिनिधि को मार डाला था, जो मराठा के थे, मराठा शिवाजी, वो किस प्रतिनिधि को मार डाले थे, तो सहिस्ता खां को ये मार डाले थे। सहिस्ता खां आप मूवी ये देखे होंगे, कौन आया था, एक मूवी आया था ना, नहीं नाम याद आ रहा है, बेगम करकर, तो उसमें सहिस्ता खां को मारते हुए दिखाया गया है, जो मूवी में मराठा जो थे, ठीक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 14 का। नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम था, बार बार पूछता है कि झांसी की रानी का क्या नाम वास्तविक था, नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम था क्या था, तो जो नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम था वो बालाजी बाजी राव था, बालाजी बाजी राव था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बीबीआई लगा लीजिएगा, आ सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ सर्वप्रथम किस देश ने व्यापार संबंध स्थापित किए थे, जो भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया गया था वो कौन से देश था, तो भाई सबसे पहले भारत में कौन से देश आए थे समुद्री मार्ग खोज करते, तो पुर्तगाली आए थे। कौन थे, 1498 में वास्को डी गामा खोजा था ना, पुर्तगाली आए थे, तो उन्हीं के साथ सबसे पहले कालीकट पर पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, तो उन्हीं के साथ ना सबसे पहले हम लोग अपना रिश्ता बनाए थे व्यापार वाला, भारत बनाया था। ये कहाँ है कालीकट, कहाँ है, तो वो पड़ता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, नहीं अरब सागर की तरफ पड़ता है, यह भी रखिएगा। बंगाल, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किसने की थी, जो भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। सिविल सेवा के जनक भी किसे बोलते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बोलते हैं हम लोग। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौशाम्बी राजधानी थी, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो वत्स देश की राजधानी कहां थी, कौशाम्बी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आराम से आप मान लीजिएगा सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि देव नाम प्रेम प्रदर्शी कौन से है, इन्हें के जो जिस नाम से बुलाया जाता है, जिसका किसका ये नाम है, देव नाम प्रिय प्रदर्शी किसका नाम है, तो यह महान सम्राट जिसे हम लोग बोलते हैं अभी तक, कौन हुए हैं, अशोक जी हुए हैं। कलिंग वार के बाद ये बौद्ध बन गए थे, बिच्छू बन गए थे, ठीक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक।
और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, एम हुरूम ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम आंसर जान लेते हैं, डी होगा। और कांग्रेस का स्थापना 1885 में कौन किया था, तो एम हुरूम ने किया था। बाल गंगाधर तिलक कहाँ थे, तो ये मराठा मतलब मुंबई से थे, और इन्हीं गणेश पूजा और चौथ त्यौहार इन्हीं ने मनाना शुरू किया था, और यहीं बोले थे कि जो है स्वाधीनता या जनसिद्ध अधिकार है इसे हम लेकर ही रहेंगे। ठीक, दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो प्रथम अधिवेशन से बार बार क्वेश्चन आता है, द्वितीय अधिवेशन भी याद रखिएगा, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। 21 का आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऊपर वाला क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, ऊपर वाला हमने क्वेश्चन देख लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, और ये पारसी थे, ये भी याद रखिएगा, ये कौन थे, पारसी थे। ये पूछ सकता कि प्रथम पारसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो दादा भाई नौरोजी, ये भी याद रखिएगा, आसानी से याद रहेगा। जो जयप्रकाश नारायण थे, ये बहुत बड़े लीडर थे, आपको पता होगा कि जो इंदिरा गांधी आपात लागू की थी उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान उसे हटाने में। तो जो जयप्रकाश नारायण थे, जो बिहार से थे, इस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे, जो जुड़े हुए थे वो किस पार्टी से, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। किस पार्टी से, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर जो 23 है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने इसका समर्थन क्यों किया था, तो देखिए 23 का आंसर क्या हो जाएगा, खलीफा ने क्रांतिकारियों की शरण दी थी। जी नहीं, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, कि भारतीय मुसलमान भी, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में, तो मुस्लिम लीग का अलग, मुस्लिम बटने लगे थे, उन लोगों में अलग ही होने लगा था। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन में तुर्की की जो खलीफा है उनके साथ देने के लिए खिलाफत आंदोलन में जब गांधी जी आए, तो उसमें मुसलमान को किए कि ये तो गांधी जी अपने आदमी अपने हम लोगों के साथ दे रहे हैं, तो उसमें मुसलमान के को अपने में मिलाने के लिए, एकता करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए किए थे। तो इसका 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण किसे बोला जाता है, जहाँ मृत्यु हुआ, लुम्बिनी में क्या हुआ था इनका, तो जन्म हुआ था, तराई क्षेत्र में है, नेपाल के तराई क्षेत्र में है। कुशीनारा में क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, महान परिनिर्वाण कहते हैं। ठीक, बोध गया में क्या हुआ था, भाई बोध गया में क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कपिल वस्तु और लुम्बिनी। देखिए कपिल वस्तु लुम्बिनी में बार बार दो चीज का फर्क रखिएगा। ठीक, कपिल वस्तु किस चीज से जुड़ा हुआ है, देखिए जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तराई क्षेत्र में हुआ, लुम्बिनी में। ठीक, अब कपिल वस्तु किस बात से जुड़ा है आपको पता है, नहीं अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ देखिए एक सारनाथ में भी याद रखिएगा, महाधर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, क्योंकि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, और सरावस्ती में सबसे ज्यादा बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, देखिए वो क्वेश्चन आ गया था, देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया। तो जो धर्म चक्र परिवर्तन किए थे वो कहाँ किए थे, तो सारनाथ में किए थे, वाराणसी के निकट है। तो ये आपका क्वेश्चन था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, आप देख लिए। अब बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और जो सेट है उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, ये आपको सेट मिल जाएगा। जो हिस्ट्री से है वो भी पढ़िए, जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं, और जो नहीं भी लेना चाहते हैं वो भी पढ़िए, क्योंकि कंपलसरी में भी हिस्ट्री है, ये भी याद रखिएगा, कंपलसरी में भी 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री से आने वाला है। तो ऐसे हिस्ट्री आप करते चलिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, हर सब्जेक्ट करते चलिएगा। तो बाकी आज टाइम बहुत कम है, क्योंकि दरोगा का भी न्यूज़ देखना है तो बहुत कम है, इसलिए आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो गया। व्हाट्सएप नंबर और स्टडी मूड टेलीग्राम जो होगा लिंक मैं दे दूंगा, उस पर लिंक हो आप ज़रूर उसमें आ जाइएगा। ठीक, और लिंक जो है वो स्टडी मूड चैनल है यूट्यूब का, उसी का से टेलीग्राम का लिंक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कैसा लगा क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या परिवर्तन चाहते हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।